तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 केलों का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 60 रुपये एक दर्जन का मूल्य है, ठीक, और एक दर्जन में 12 केले होते हैं, हमें निकालना है 6 केलों का मूल्य, तो हम गुणे 6 कर देंगे। ये 12 × 5 = 60 होता है, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 रुपये, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग क्या होगा। तो इसमें 1, 2, 3, 4 टोटल पार्ट 4 है और छायांकित भाग 1 है, इसका आंसर होगा 1/4। तीसरा क्वेश्चन है 10×9 और 15×? तो 10×9 = 90 होता है, इसका आंसर आएगा 90। तो 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 के पहाड़े में 90 कितनी बार में आएगा, 6 बार में, तो इसका आंसर होगा 6। अब 0.3 और 0.8 का गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 होता है, इसका आंसर आएगा 24। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद एक डिजिट ये है, दशमलव के बाद एक डिजिट ये है, तो दशमलव के बाद 2 डिजिट, तो 1, 2, तो यहाँ पर अपना पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.24, जो कि आंसर ये है। सही जोड़ी बनाना है, इन दोनों को जोड़ो, 5 × 2 = 7, 4 × 2 = 6, ठीक है, तो सॉरी 5 × 5 = 10, 4 × 2 = 6, 1 = 7, तो 0.70, तो ये होगा पहला। और दूसरा 9, इसको डिवाइड कर दो तो 9 × 3 = 27, कितना बचा, 3 × 9 = 36, तो -34 ये रहा। इस प्रकार इसमें 25 × 100 होता है, 100 और दशमलव के बाद एक डिजिट है, तो मतलब 10 आ जाएगा, जो कि ये है। अब इसके इसमें विपरीत चिन्ह हमेशा घटता है, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, 5 × 5 = 0, 3 × 2 = 1, तो 1 होगा इसका आंसर, -1 होगा इसका आंसर, तो इसमें -1 नहीं दिया ऑप्शन, तो -1 होगा, ठीक है, अपने से कर लेना है। तो ये चौथा होगा। फिर 4/5 है, तो 5 × 5 = 0.4, इसमें 0.4 कहाँ है, 0.4 नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा 0.4, ठीक है, 5 है और 4 है, तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे 5 × 5 = 40 हो जाएगा, तो 5 × 8 = 40 होता है, तो ये 0.8 आएगा इसका आंसर, ये है। ये नंबर कौन सा है, 5वां। अब 0.5/10 है, तो 0.05, एक और 0 आ जाएगा, ये रहा 6th नंबर, ठीक है, इसमें माइनस नहीं लगा था, जबकि माइनस होगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए। फिर इसी प्रकार एक शब्द में उत्तर लिखिए, यहाँ पर लिखा है संख्या 1312 में कौन सी संख्या जोड़ने पर संख्या 1400 हो जाएगी। तो मतलब हम सीधे सीधे 1400 में से 1312 को घटा दें, तो जो जोड़ने पर प्राप्त, घटाने पे आएगा वही उसका आंसर होगा। तो 10 में 2 = 8 और 9 में 1 = 8, यानी 88 जोड़ सकते हो, 8 × 2 = 10, 8 × 9 = 10, तो मतलब इसका आंसर आएगा 88। अब मोहन के पास 157 रुपये हैं और सरला के पास 72 रुपये हैं, तो मोहन के पास सरला से कितने ज़्यादा हैं, तो इसमें से इसको घटा दो, 157 में से 72 रुपये घटा दो, 7 में 2 = 5 और 15 × 7 = 8, इसका आंसर आएगा 85 रुपये, ठीक, 5 × 7 = 68 = 15। अब 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बराबर बांटने पर एक विद्यार्थी को कितने कंचे मिलेंगे। अब यहाँ पर कंचे कितने, 72 हैं और 6 विद्यार्थी हैं, तो सीधे सीधे हमें भाग दे देना है, 72 × 6 = 72 / 6 = 6, बचे कितना, 1 × 6 = 12, मतलब 12, यानी एक विद्यार्थी को 12 कंचे मिलेंगे, ठीक। अब यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है, हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची,
तो हीना और आमिर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लो हीना x है तो आमिर क्या होगा, 2x, तो आमिर होगा 2x, मतलब 2x x x कट जाएगा, तो 1/2 मतलब 1:2 होगा इसका आंसर। ठीक, तो इनमें अनुपात क्या होगा, 1:2 का। अब इसमें जो है सत्य सत्य बताना है, ठीक है, तो इसमें कितने कालम फिले, 3, और हैं कितने टोटल, 4, तो छायांकित भाग भिन्न के रूप में 3/4 है, हाँ है, तो मतलब पहला सत्य है। दूसरे में 4/5 भागे 8/10 है, तो 4/5 भाग को गुणे में बदलोगे 10/8 हो जाएगा, 4 × 8, 5 × 10, मतलब 2/2, तो 2 × 1 = 2, तो 1 आता है, जबकि इसमें 2 लिखा है, तो मतलब ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक मोटरसाइकिल की कीमत 10 गुना है, साइकिल की कीमत का 10 गुना है, मोटरसाइकिल की कीमत जो है, मान लो मोटरसाइकिल एक्स है और वो बाई है या कुछ भी है, तो मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। मान लो ये साइकिल है, ठीक है, साइकिल क्या है, एक्स है, तो मोटरसाइकिल का रेट कितना हो जाएगा, मोटरसाइकिल का रेट हो जाएगा 10x। तो यदि मोटरसाइकिल की कीमत 60,000 है, मोटरसाइकिल की कितनी कीमत है, 60,000, तो साइकिल की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर यदि 60,000 मोटरसाइकिल की कीमत है, कितनी है, 60,000, तो उसमें 10 का भाग दे दो तो 6,000 हो जाएगी साइकिल की कीमत, साइकिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6,000। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो क्योंकि 10 गुना था, 5,728 में 7 के स्थानमान, 7 के स्थानमान क्या होगा, इसके बाद 2 डिजिट है तो 700 होगा। 3/5 और 1/5 को घटाने पर हार का मान समान है, तो 3 में 1 = 2, तो 2/5। अब इसमें इसको भाग दो, 7 × 49 होता है, बचा कितना, 1, तो शेष फल का मान 1 है, भाग फल होता तो 7, 8 × 48 गुणा करना है, 8 × 48, 8 × 32, 4 = 36, 8 × 40 = 43, 8 × 48, 8 × 32, 4 = 36, 8 × 40 = 43, तो हो गई, ये हो गए 4368 इसका गुणनफल। अब इसमें लिखा है 2/3 को छायांकित करो, तो 2/3 मतलब यहाँ पर ऐसे समझ लो, ये पूरा 1, ये 2, ये 3, तो ये पूरा फिल करना है इस प्रकार, ये ठीक है, तो ये पूरा फिल हो गया है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, यानी इतना आप लोग पढ़ लोगे तो 8 नंबर क्लियर हो जाएगा, है ना, इससे जितना भी ब्रिज कोर्स के 20 क्वेश्चन हैं, तो 20 क्वेश्चन पूरे तैयार कर लो, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 2/3। अब संख्या 1234 को प्रसारित रूप में लिखिए, इसको यदि प्रसारित रूप में लिखना है, मतलब पहले 1000 इस प्रकार प्लस 234, तो 200 प्लस 34 मतलब 30 प्लस 4, तो ये हो गया इसका प्रसारित रूप, 1234, तो 1234 चार पेनों की कीमत 20 रुपये, तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी। देखो उसी प्रकार यहाँ पर जो है 4 पेनों की कीमत कितनी है, 20 रुपये है, तो मतलब 20 रुपये है 4 पेन की कीमत, तो 1 पेन की कीमत क्या होगी, 20/4, और कितनी पेन का बताना है, 15 पेन का, तो गुणे 15 कर देना उसके बाद, 4×5 = 20, तो 15×75 = 75 रुपये। सबसे पहले जो भी है 20 है तो 20, एक पेन का निकालेंगे तो 1/4 कर देंगे, और जितने का निकालना उसमें गुणा कर देंगे, तो ये 4×5 = 20 और 15×75 = 75 रुपये होगा। संख्या 532 में घटाएं कि 452 प्राप्त हो, मतलब क्या घटाएं, सीधे सीधे इसमें से इतना घटा दो तो पता चल जाए कि क्या घटाएं कि ये प्राप्त हो। ठीक है, 452 प्राप्त हो ये बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 532, तो 532 में यदि हम x घटाते हैं तो हमें मिलता है 452, तो
तो एक्स इधर भेज दो तो 532 में से 452 घटा दो, तो दो में दो गए जीरो और 13 5 गया 8, 80। इसका आंसर क्या होगा? 80, 80 घटाओ तो 452 मिले, तो इसका आंसर क्या होगा? 80 होगा। ठीक, अब किसी संख्या में 126 जोड़ने पर, मान लो कोई संख्या है वो एक्स है, ठीक है, उसमें हमें क्या जोड़ना है? 126 जोड़ना है। हम उसमें 126 जोड़ रहे हैं तो क्या प्राप्त होता है? 676। तो संख्या क्या होगी? तो 676 में से 126 घटा दो, जब 126 घटाओगे तो आंसर आएगा 0, 7 में 2 गए 5, 6 में गए 5, तो 550। यानी 126, 676 में 126 घटा दो तो मिल जाएगा 550, तो वह संख्या होगी 550। अब 26 स्क्वायर 25 स्क्वायर किसके बराबर है? तो इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, या तो 26 का सीधे स्क्वायर करो, 676 होता है और 25 होता है 625, तो 6 में 5 गया 1, 7 में 2 गया 5, तो 51 इसका आंसर हो गया। किसके बराबर होगा? 51 बराबर। या इसमें एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, जैसे 26 में 25 गया क्या होगा? 26 में 25 गया 1 होगा, ठीक, 26 में 25 गया 1 और 26 में 25 जोड़ दो तो 51, तो इसका आंसर 51 ही होगा। अब किसी संख्या को 12 से भाग देने पर, भागफल 24 तथा शेषफल 2 है, तो संख्या बताइए। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर, तो मान लो कोई संख्या है, हम मान लेते हैं वह संख्या यक्ष है, ये यक्ष संख्या हो गई। अब उसमें 12 से भाग देना है, ये 12 से भाग दे दिए। अब भाग करने पर जो भागफल आता है वो क्या आता है? 24 तथा शेषफल 2 भी आता है। अच्छा, तो इसको इस तरह ना लिख करके इसको हम वो जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं, तुम लोगों को बता रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला है, ठीक है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य मतलब जिसे हमें भाग देना था। तो यहाँ पर क्या नंबर थी? किसी संख्या को 12 से भाग देना है, तो मतलब यहाँ पर वो संख्या हो गई जिससे हमें भाग देना है, और उस संख्या को किससे भाग देना है? 12 से, तो यानी यहाँ भाजक हो जाएगा 12, ठीक, 12 हो गया भाजक। और भागफल क्या है? इसमें भागफल दिया है 24, भागफल कितना दिया है? 24 शेषफल 2, तो भागफल 24 शेषफल 2, ये हो जाएगा 12 चौक 48। ये नंबर वो है ना, कौन सा नंबर है ये? ये 12 नंबर है, 12 नंबर, 12 चौक 48 बारह 24, 24 4 28 प्लस 2, तो 288 में 2 जोड़ दो 290, तो इसका आंसर हो गया। किसका? इस वाले का। तो कैसे निकालना? पहले फार्मूला रखना है भाज, कौन सा? ये वाला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमने एक्स मान लिया, और किससे भाग देना था? 12 से, भागफल मिला 24, शेषफल 2, तो 12 24 का गुणा कर दो 288 और 2 जोड़ दो 290, ठीक है। अब इनमें योग क्या होगा? तो पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, तो 12 6 8 6 14 14 20 14 12 कितना होता? 12 8 20 26 होता है, 26 हो गया। अब माइनस माइनस को जोड़ लो, 10 10 9 19 19 7 26, तो होगा 0, इसका योग होगा 0। समझ गए कैसे? पहले हमने 12 जोड़ा, 12 8 20 20 6 26, ये लिख दिए, उसके बाद माइनस वालों को जोड़े, तो 10 9 19 19 7 26, अब इसमें माइनस था तो माइनस ही लगेगा, तो दोनों का घटाएंगे 0 आएगा, इसका आंसर आएगा 0। 12 में से 17 को घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो अब देख लो क्या प्राप्त होगा। माइनस 12 दिया है, माइनस 12 में से माइनस 17 घटाना है, तो ये माइनस का चिन्ह हो गया घटाने के लिए, ये माइनस 12 है, तो माइनस 12 प्लस 17, 17 12 गए 5,
इसका आंसर होगा क्या, 5। ठीक, मतलब -12 में -17 को घटाने पर 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति के छायांकित भाग के अनुसार भिन्नों को जोड़कर मान लिखिए। अब यहाँ पर इसका मतलब लिखा है 1/4 प्लस, इसमें दो भाग छायांकित हैं तो 2/4 बराबर, 2 × 1 कितना होता है 3, तो इसका आंसर आएगा 3/4। ठीक है, ये 1/4 है, ये 2/4 है, तो 2 × 1 3/4 मिलेगा, बस हो गया। आया समझ में? बस 5 और बचे हैं, आज ब्रिज कोर्स बस बताएंगे, बाकी नेक्स्ट डे। अब इसमें बोला है संख्या -37 से 73 जोड़ने पर प्राप्त संख्या लिखिए। अब इसमें से 73 जोड़ना है, तो -37 में से 73 जोड़ोगे, मतलब सीधे सीधे जोड़ना है, लेकिन चिन्ह विपरीत है इसलिए घटेगा, तो इसमें घटाने के लिए 73 में 37 घटाओ, तो 13 में 7 गया 6 और 6 में से 3 गया 3। बड़ी संख्या कौन है, ये है, इसके सामने प्लस है, तो इसका आंसर आएगा 36। अब ये सही जोड़ी है, इसको इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 5 × 4 = 20 और 5 × 7 = 35 = 37, तो 37 कहाँ है, इसमें 37 ऑप्शन नहीं है, है ना, जबकि दोनों प्लस हैं, तो इसका आंसर आएगा 0., अभी किए दे रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं, 0.5 × 7.4। तो देखो पहले बिना पॉइंट के, तो 5 × 4 = 20 हासिल 2, 5 × 7 = 35 = 37, तो 1, 2 डिजिट 3.7, इसका आंसर आएगा 3.7, माइनस में नहीं आएगा इसलिए प्लस में रहेगा इसका आंसर, पहला होगा 3.7, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है, हैं सही कर लेना। दूसरा है माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करना है, 15 × 7 = 105, तो 15 × 7 = 105 कहीं पे दिया है, नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा 105, जो कि इसमें नहीं दिया, तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 105 होगा इसका आंसर। ठीक है, इस पे आंसर गलत लिखे। अब यहाँ पे 504 में 18 का भाग दोगे, तो चेक कर लो, 504 में 18 का भाग, वो भी माइनस में है, तो 18 × 18 = 36 और कितना बचा, 14 बचा, तो 18 × 44 -28, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इसमें भाग देंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो ये रहा इसका आंसर। अब इन दोनों को जोड़ दो, 42 है और 64 × 6 = 3700, तो 43 कहाँ है, ये रहा पांचवा नंबर, इसको इसमें भाग दो, तो भाग जब देंगे तो माइनस में ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा भाग देख लेते हैं, 18 / 25, 25 × 0, तो 18 रहेगा, 180 हो जाएगा, 25 × 6 = 150, 25 × 7 = 175, है ना, 25 × 7 = 175, 5 × 50 हो गए 25 × 50, 0.72 माइनस में, तो ये रहा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन और बचे। एक क्वेश्चन है, रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर 21,360 रुपये बैंक को अदा करके पूरा कर्ज चुकता कर देता है, तो बैंक को ब्याज के रूप में कितने रुपए अदा करता है, तो आप सीधे सीधे इसमें से इसको घटा दो तो उतना ब्याज निकल आएगा, तो 21,360 में 18,500 को घटा देते हैं, 13 × 5 = 8 और ये क्या बन जाएगा, 10 में से 8 गए 2, तो 2,860। चेक करना हो तो इन दोनों को जोड़ लिया करो, 0, 6, 8, 5, 13, 8, 2, 10, 11, है ना, ठीक है, तो 2,860 रुपये ब्याज लगेगा उसको, 2,860 रुपये। शीला ने एक बैंक को 14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा किए, तो उसकी एक माह की किस्त कितने रुपयों की थी, मतलब शीला ने एक बैंक को
14,400 रुपये प्रति माह बराबर किस्तों में 12 माह तक अदा की, मतलब सीधे सीधे 12 माह का उसने इकट्ठा दे दिया इतना। अब बराबर किस्त है तो एक माह की किस्त कितने रुपए की होगी, सीधे हमें क्या करना है भाग देना है 12 का, तो 12 बरहम 144 होता है, ठीक है। या ऐसे ना करना हो तो ऐसे नहीं किया जाता, 12 कम ऐसे भाग दो विधिवत, तो 12 एक कम 12